तो डी ब्रॉगली की वेव की इक्वेशन में उसने कहा पहले एक काम करते हैं, क्योंकि हमने डी ब्रॉगली की वेव की इक्वेशन बनानी है या डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालनी है, कोई भी मैटर अगर मूव करता है, देखो मैटर अलग है रेडिएशन अलग है, रेडिएशन में क्या मूव करते हैं फोटोन्स, और मैटर में कुछ भी मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, मैटर का मास भी है फोटोन का मास नहीं है। तो वो कहते हैं एक काम करते हैं पहले रिजल्ट मैटर पे बनाते हैं फोटोन पे बनाते हैं, फिर कॉपी करके रेडिएशन पे ले आते मैटर पे ले आते हैं, पहले रेडिएशन पे बनाते हैं फिर उसे मैटर पे ले आते हैं। तो रेडिएशन पे कैसे, उसने कहा एक काम करो एक फोटोन इमेजिन कर लो, फोटोन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है एच न्यू। और उसने ये भी कहा कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वो कहते हैं दोनों को इक्वेट कर लो। ये सारी कहानी किसके लिए चल रही है, फोटोन के लिए, फोटोन, जबकि फोटोन उसका काम नहीं था, उसका काम तो मैटर पे था। तो उसने कहा आइंस्टाइन की इक्वेशन लगाते हैं और न्यू को पुट करते हैं सी बाय लैम्डा, सी से सी कैंसल, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई एच बाय एम सी, तो ये वेवलेंथ किसकी आई फोटोन की, क्योंकि काम किस पे चल रहा है फोटोन पे, और फोटोन की स्पीड क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो मास इनटू सी क्या बना मोमेंटम। तो उसने कहा ठीक है फोटोन का लैम्डा का फॉर्मूला क्या बना एच बाई पी, तो वेयर पी इज दी मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब देखो उसने क्या किया, उसने अब कहा जी अब मेरी सुन लो, अब मैं फोटोन को छोड़ देता हूँ, उनकी मैंने रिजल्ट पढ़ लिया, आइंस्टाइन का रिजल्ट उसने पढ़ लिया, अब कहता मैं अपना रिजल्ट बनाऊंगा। वो कहता चलो कंसिडर करो कोई भी एक मैटर पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन कुछ भी, उसका मास है एम, तो पार्टिकल, अब ये फोटोन नहीं है, अब ये कोई पार्टिकल है मैटर है जिसका मास एम है और मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी। तो कह रहे जैसे आइंस्टाइन ने रिजल्ट दिया था लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ऐसे ही कहता मेरा रिजल्ट भी एच बाई पी, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम किसका है फोटोन का नहीं है, मैटर पार्टिकल का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन किसी का भी है। तो सिमिलरली उसने रिजल्ट को किया कॉपी, देखो क्या सही नाम आ गया, पर लोगों का काम तो पढ़ना पड़ा उसे। तो यहाँ पर क्या आया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और इस वेवलेंथ का नाम है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ। डी ब्रॉगली की वेवलेंथ ये कहती है कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है, और अगर आपका पार्टिकल वेलोसिटी जीरो है रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो लैम्डा डिफाइंड नहीं है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का मतलब रेस्ट पे पड़ा हुआ पार्टिकल का लैम्डा डिफाइंड नहीं है, वो वेव की तरह कभी काम नहीं करेगा, उसका डिफाइंड ही नहीं है। और टू बी एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेव अ पार्टिकल नीड नॉट टू हैव चार्ज, कहते चार्ज चाहिए ही नहीं है, तो तुम न्यूट्रॉन के लिए भी लैम्डा निकाल दोगे तो भी न्यूट्रॉन का भी लैम्डा आ जाएगा, इसमें चार्ज रिक्वायर्ड ही नहीं है, लैम्डा में चार्ज इसमें आता ही नहीं है। नेक्स्ट है डी ब्रॉगली वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि लैम्डा, ये जो डी ब्रॉगली का लैम्डा है ये तो तब भी प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है विद अ कॉन्स्टेंट विलॉसिटी, क्योंकि अगर विलॉसिटी कॉन्स्टेंट है तो भी लैम्डा प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए आपको वेलोसिटी कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेलरेटेड चार्ज चाहिए होता है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल चाहिए, जो कि इसकी कोई मैंडेटरी जो है कंडीशन नहीं है। तो इसलिए ये ईएम वेव नहीं हो सकती, ये कोई भी और वेव जनरेट हो सकती है पर ये ईएम वेव जनरेट नहीं होगी। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं डी ब्रॉगली के पॉइंट्स हैं।